ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों जेठ अमावस्या साल की बड़ी अमावस्याओं में से एक मानी जाती है। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है और यूं तो साल में 12 अमावस्या आती हैं और हर अमावस्या तिथि का अपना अलग महत्व होता है, लेकिन जेठ माह में पड़ने वाली अमावस्या तिथि को सबसे ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस अमावस्या तिथि पर वट सावित्री का व्रत रखा जाता है और इस दिन शनि जयंती भी है। जेठ अमावस्या पर इस बार शिववास योग भी बन रहा है, तो चलिए जानते हैं कि अमावस्या तिथि जून में कब रखी जाएगी, 5 जून की या 6 जून की, वट सावित्री का व्रत कैसे करना है और भगवान का शिववास योग में शिव और पितरों की कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार जेठ अमावस्या पर शिववास योग का निर्माण हो रहा है, जो कि बहुत ही दुर्लभ रूप से होता है, जो कि काफ़ी शुभ भी माना जाता है। इस विशेष योग में पितरों की पूजा करके आप पितृ दोष से मुक्ति पा सकते हैं। इस बार जेठ अमावस्या 6 जून को पड़ेगी। अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है, दान पुण्य किया जाता है, पितरों के लिए श्राद्ध कर्म किया जाता है। ऐसा करने से हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं, घर परिवार के संकट दूर होते हैं। लेकिन दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार जेठ अमावस्या 5 जून को रात 7:54 से शुरू होगी और 6 जून को 6:07 पर समाप्त होगी। तो भारत में उदित तिथि के आधार पर जो अमावस्या 6 जून को रखी जाएगी, इसी बीच आपको स्नान दान करना है, पितरों की पूजा करनी है और शनि पूजा के लिए शुभ मुहूर्त जो रहेगा उसका भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी पूजा शुभ मुहूर्त में की जाए तो ज़्यादा शुभ मानी जाती है। यदि आप किसी गंगा नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं अमावस्या के दिन, तो आपके घर पर गंगा जल होगा, उसको अपने थोड़े से नहाने वाले पानी में मिला लीजिए और घर पर ही आप स्नान कर सकते हैं। स्नान दान का शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह 4:02 से लेकर 7:07 तक का रहेगा 6 जून को। पितरों की पूजन का समय रहेगा 11:30 से दोपहर 2:04 का। इस समय पर आप पितरों के नाम से सूर्य भगवान को एक लोटा जल अर्पित करें। जल हमेशा पितरों के नाम का जो दिया जाता है वो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दिया जाता है और तांबे के लोटे में हो सके तो काले तिल अर्पित डाल करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। साथ ही पितरों से सुख शांति समृद्धि के लिए कामना जरूर करें। शनि की पूजा के लिए शाम 6 बजे से प्रारंभ होगी और रात 9:49 पर समाप्त होगी। इस मुहूर्त में आप शनि की पूजा किसी शनि मंदिर में जाकर कर सकते हैं। शिववास योग बन रहा है। जेठ अमावस्या के दिन शिववास योग का निर्माण बहुत ही शुभ माना जा रहा है। जो शिव भक्त इस शुभ योग में भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करते हैं, शिव का जल अभिषेक करते हैं, उस व्यक्ति को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। शिववास योग का निर्माण शाम 6:07 तक का रहेगा 6 जून को। इस समय पर आपको भगवान शिव का जल अभिषेक करना है, शिव की पूजा आराधना करनी है और अपने मनवांछित फल की भगवान से प्रार्थना करनी है। अमावस्या को कहीं कहीं पर बड़ा अमावस्या भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे बड़ा अमावस्या के नाम से जानते हैं, कुछ बड़ा अमावस्या के नाम से जानते हैं। इस दिन सुहागर महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत रखती हैं। इस दिन शनि जयंती भी है। अमावस्या के दिन सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लिए थे, तभी से इस अमावस्या का महत्व सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। इस बार अमावस्या 6 जून गुरुवार के दिन जो मनाई जाएगी, तो इसीलिए कुछ लोग जो वट सावित्री का व्रत महिलाएं रखती हैं उनको बरगद के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, 16 श्रृंगार करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होती है। पौराणिक कथा में कहा गया था कि बड़ा अमावस्या के दिन वट सावित्री ने यमराज से अपने मृत पति सत्यवान के प्राण वापस लिए थे और तभी से स्त्री सच्चे मन से बरगद की पूजा करती हैं। पति पर कोई संकट ना आए इसीलिए बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी सुनती हैं। वहीं पर बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर सुहाग का जो सामान होता है पूजा करके उससे अपनी सास को या अपनी जेठानी को उनको दान करती हैं। बड़ा अमावस्या के दिन महिलाएं बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री और सत्यवान की और इष्ट देवी देवताओं की पूजा करती हैं और वृक्ष के चारों ओर कलावा लपेटने की परंपरा है। कुछ लोग सफ़ेद धागा जो होता है कच्चा सूत जिसे हम कहते हैं उसको लपेटते हैं, कुछ लोग कच्चा सूत भी लपेटते हैं। ऐसा करने से महिलाओं को सुखद और दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है, अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। तो जो लोगों के यहाँ पर वट सावित्री का व्रत रखा जाता है वो 6 जून को रखेंगे। कुछ लोगों के यहाँ पर ये वट सावित्री का व्रत पूर्णिमा के दिन रखा जाता है तो वो 21 जून को रखा जाएगा। जो रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती हैं, वो आपको अपने कुल के अनुसार करनी चाहिए, लेकिन जो दोनों के व्रत होते हैं, चाहे वो पूर्णिमा पर हो चाहे वो अमावस्या पर हो, दोनों की तिथि में केवल अंतर होता है, लेकिन व्रत की पूजा, व्रत की विधि, कथाएँ जो होती हैं वो समान होती हैं। दोनों ही व्रत पति की दीर्घायु के लिए रखे जाते हैं। जिस तरीके से करवा चौथ के व्रत में सुहागन महिलाएँ 16 श्रृंगार करती हैं, इस दिन महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि काले या नीले रंग के वस्त्र ना पहने या सफ़ेद रंग के वस्त्र ना पहने। इस दिन महिलाओं को लाल, हरे, पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। सुहागन महिलाओं को सिर्फ पूरा 16 श्रृंगार करना चाहिए। बरगद के पेड़ के नीचे वहाँ पर बैठकर आपको आराधना करनी चाहिए। कुछ लोग अगर बरगद के पेड़ के पास जाकर पूजा नहीं कर सकते तो वो घर पर ही बरगद की टहनी लगा करके गमले में वहाँ पर आराधना कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो दोस्तों के साथ में लाइक शेयर जरूर करते चलिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।